हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है हमारा आबू में डे 2। और जस्ट अभी हम लोग सो के उठे, टाइम हो रहा है 8:30। सो के उठ के नहा धो के रेडी हो गए। देखो शिवानी रेडी हो रही है अंदर और मैं इधर बैठा हूँ। तो बस वो रेडी हो जाते हैं, अपने जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। और काफ़ी मज़ा आया कल रात को, हमने केक भी काटा था, जैसे कि आपने देखा ही रखा है। देखो आधा केक तो भी खाया भी नहीं हम लोगों ने, आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं दिख रहा इसका क्या होने वाला है। और फिलहाल अपन की बात करते हैं तो आज हमारा आई थिंक प्लान है, कोई नक्की नहीं है, हम लोग अंबाजी टेम्पल भी जाएंगे और नक्की लेक भी जाना है अभी हाल, क्योंकि कल रात को हम लोग लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया, फिर नक्की लेक जा नहीं पाए थे। सनसेट भी आपको पता ही, हम लोग गए थे तो सनसेट तो डूब गया था, मतलब लेट हो गया था, कल ऐसा समय सीन हो गया था। और गाइस दूसरी बात बताऊँ, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, और ये अभी भी टाइम लगा रही तैयार होने में, बिकॉज़ टाइम हो गया और ब्रेकफास्ट मुझे लगी है भूख, और फिलहाल इसको भी भूख लगी थी, और इसका सीन भी हो गया है वो मैं आपको बताता हूँ। बेचारी को बहुत नींद आ रही थी कल। कोई नहीं, शहर से जाने दो और अपन फटाफट ये तैयार हो जाता, फिर चलते ब्रेकफास्ट करने। ओके, इससे भी पूछ लेते कुछ, ये कुछ बोल रही है आप लोगों से, बोल रही थी मेरे को ही बताना। हेलो, हाय। क्या हुआ? फिलहाल तो देखो धूप बहुत तेज बढ़ गई है, प्लान हमारा चेंज भी हो सकता है। हम तो लोग आज सिवानी का गेटअप ये है देखो, ऊपर से नीचे तक, और अपन का ही है जीन्स। और ये होता है अपन, अब लड़कों को पहनने के लिए कोई चीज़ है नहीं है फिलहाल, तो जीन्स लड़कियों के पास जीन्स टी बहुत अच्छे शर्ट अच्छे शर्ट, टॉप बस है तीन ऑप्शन है उसके पास। लड़की के पास बहुत अच्छे अच्छे टॉप आते हैं जो कि मैंने ले लिए हैं और मैंने पहन भी लिए। कल दूसरा टॉप था, आज दूसरा टॉप है। और अगर और भी दिन होते तो और शॉपिंग होती, फिर और भी हाँ, टॉप ऐसे कैसे होते। और शॉपिंग होती, मैं तो एक दिन दूसरे दिन धुलवा के बनवाता। अच्छा। अच्छा हाँ, और शॉपिंग होती है इसके लिए स्पेशल करता यार। सो गाइस मिलते हैं इसके तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे। हे गाइस, तो आ गया है अपन का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया था एक डिश पोहा, एक ब्रेड जाम बटर और दो चाय, देखो जो पोहा कि मेरे अभी पास आला, जो कि दिख रहा है मुझे जी, आई थिंक 20 से 25 मिनट में मैंने पहले ऑर्डर किया था और मुझे मिल गया है। जल्दी मिल इसका जाएगा। रेट कुछ 60 रुपीज़ है, इसका 40 रुपीज़, और दो चाय का रेट 60 रुपीज़। और केक तो बचा पड़ा ही है, क्योंकि आप लोगों को बताया तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा केक भी हो जाएगा आज, क्या बोलती है बुबली? बहुत टेस्टी केक है, ये तो केक ही खाने वाली है, बोल लग तो रहा रहा कल है कल रात से ही बोल रही है, नहीं केक कहाँ है, केक सही से रखना, केक सही से बहुत रखना। टेस्टी। लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। पोहा, पोहा का टाइप जो जिस हिसाब से वो किया ना वह भी सर्व, अच्छा, वो वो अच्छे भी से किया अच्छा है। है। तो चाय डालिए उसमें आप ओके फटाफट, चाय तो टेस्टी थी कल मैंने पी थी, वो भी मस्त चाय थी, तो आज ये भी वाली चाय भी देखने मस्त में भी काफ़ी होगी। मस्त लग रही है। देखो इसमें डालो, इसका वो देखो कितना वैसा है। ये अच्छा इसमें हाँ गर्म रहेगा ऐसा। इसमें गर्म रहता है ना, इसलिए वो देखे जाते हैं इसलिए। तो भाई इसको फिनिश करते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको होटल मतलब अपना रूम वगैरह बता दिया था, लेकिन हम लोग को होटल नहीं दिखाया था आप लोगों को मैंने, तो आपको मैं होटल दिखा देता हूँ कैसा क्या है। तो सबसे पहले तो वहाँ देखो सामने वो है कैंट का कैंटीन, वो कैंटीन है इनका, देखते हैं चल के अंदर दिखाता हूँ आपको। तो ये पूरा होटल का कैंटीन बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर खाना वगैरह बनता है सब। और ये फिर यहाँ पर डाइनिंग हॉल, ये इनका पूरा डाइनिंग हॉल है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर चेयर वगैरह लगी है, आप आराम से खा भी सकते हो बैठ के यहाँ पर। ये देखो ये रहा यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक मैप सा लगा हुआ है जो कि आपको गाइड करेगा कहाँ घूमना है आपको। और ये इनका रिसेप्शन, यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है यहाँ पर। भैया आपका नाम क्या है? कुंदन सिंह कुंदन सिंह। जी तो इनसे ही मैं कल मिला था यहाँ पर आके, तो इन्होंने मुझे होटल वगैरह का अरेंजमेंट करवाया था, तो काफ़ी अच्छा है, खाना वाना भी बहुत बढ़िया है आपका यहाँ पर। ब्रेकफास्ट किया मेरे को बढ़िया लगा, खाना नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट किया, दोनों टाइम फूड क्वालिटी बेस्ट है बेस्ट क्वालिटी है, मतलब 10 out of 10। और वो अंकल जी कौन है अंदर? ओनर ओनर है? प्लीज ओनर। तो अंकल जी इस होटल के ऑनर है। अंकल जी आपका नाम क्या है? प्रकाश कुमरानी, ओनर नहीं हूँ, अच्छा टेक केयर टेक मतलब। केयर, हाँ तो जी ये होटल टेक केयर आप करते हो पूरा? जी, यस यस, मैनेजमेंट मतलब। जी जी जी, ऑफ ऑनर मिस्टर जय सिंह सिंगल जय सिंह सिंगल, और दिनेश सिंगल जी। या तो काफ़ी अच्छा था आपका होटल वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, फूड थैंक क्वालिटी काफ़ी बेस्ट, 10 out of 10 देना चाहूँगा मैं तो। यू काफ़ी थैंक मज़ा आया मुझे, एक दिन यू रुका काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। तो गाइज़ आप लोग भी आओ तो यहाँ पर ज़रूर रुकना आके।
और आप लोग मैं ऊपर चल के दिखा देता हूँ, गार्डन वगैरह और कुछ यहाँ पर हिचका वगैरह बना हुआ है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप का छोटा सा गार्डन दिया हुआ है, देन यहाँ पर एक झूला बना हुआ है ये रहा, और यहाँ का व्यू कुछ इस टाइप का आता है। और यहाँ पर भी दो रूम है ऊपर नीचे, और वहाँ भी सामने सारे रूम्स ही हैं। और इधर साइड ग्रीनरी भी बहुत बढ़िया है, एकदम आउट ऑफ लेवल, काफ़ी अच्छा है, और रूम काफ़ी चिल रहते हैं। ये एसी वाले रूम है, ये मैं सुबह देख के गया था, बट इतने ख़ास नहीं है, मतलब इससे बढ़िया आप नॉन एसी रूम लो बेटर है आपके लिए, जो कि मैंने नीचे लिया है मैंने। तो ले चलते हैं नीचे, और अपना चेकआउट का टाइम भी हो गया है। सो गाइस, हो गया अपन का चेकआउट का टाइम, और अपन निकल रहे हैं यहाँ से। और अपना जैसे कि 9 बजे इनका चेकआउट होता है, तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो आधा एक घंटा कोई दिक्कत नहीं आती, भैया एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और हम लोग को नक्की लेक भी जाना है, तो उन लोगों ने क्या बोला कि आप सामान वगैरह हमारे लॉकर रूम में रख दीजिए, आप नक्की लेक जाके आइए, फिर अपना सामान ले जाइएगा। तो वो मैंने करवा दिया, अपना बैग भिजवा दिया उनके लॉकर रूम में, और अब हम दोनों जा रहे हैं नक्की लेक। चलें? यस, लेट्स गो। तो गाइस, यहाँ तक का मतलब हमारा बहुत बढ़िया था, अब चलते हैं आगे, आएगा दिखाते हैं आपको। चलिए, चलते हैं बाहर नक्की लेक। पक्का एक्टिवा तो है नहीं, अब तो चल के जाना पड़ेगा। चल पास में है ना? बहुत पास में, 1.1 के किलोमीटर के आसपास है। तुम बिल वगैरह करवा लेता हूँ, ठीक है? एंड गाइस, मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया है पूरा, और अब निकल चुके हम लोग घूमने। मेरा कुछ देखो, मैंने कल एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में चाय ली थी, और फिर आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया था, जो आपके मैंने आपको देखा उसका तो सबने बाहर ही खाया था, बिकॉज होटल आने का टाइम नहीं था कल, तो लंच टाइम है। सो मेरा बिल कुछ यहाँ पर 2100 रुपये के आसपास हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। 1800 रुपये का मैंने रूम लिया था, और 300 रुपये का कुछ मैंने खाया है बस, और कुछ नहीं, और तो सबने बाहर ही खाया था। तो चलिए चलते फटाफट नक्की लेक। तो भाई, ये देख रहे हो ऊपर आप लोग, यहाँ पर मैप लगा हुआ है, मतलब मैप क्या वो लिखा हुआ है कहाँ है। तो देखो, नक्की झील सीधा रघुनाथ मंदिर, सनसेट पॉइंट भी इधर। इधर ही जाना है ना? गर्मी बहुत है, अलग खराब है, गर्मी लग रहा है ना बहुत बहुत। अभी राइट नाउ टेम्परेचर हो गया होगा ना इस 35 के आसपास हो गया होगा, यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया होगा। हम लोग लेट हो गए यार, मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं तो मज़ा आती है। बट खैर कोई नहीं, जाना तो है ही, वहाँ भी मज़ा आएगा, लेकिन ना वहाँ पर ठंडक होगी। हाँ, तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए नक्की झील, वो देख रहे हो आप सामने, मतलब बिल्कुल हमारे होटल से कुछ 750 मीटर थी ना। हाँ। 750 मीटर दूर थी ये, तो वो ऑटो वाला तो 4 व्हीलर वाला तो बोला 200 रुपये लगेंगे, मैंने हम चल के ही चले जाएंगे। कितना मतलब कितना ज़्यादा है, महंगाई है। सो फाइनली आ चुके हम लोग नक्की लेक, और यहाँ पर देख रहे हो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, और ये रही यहाँ पर स्कूटर कार आप पार्क कर सकते हो यहाँ पर, और ये रहा इसका यहाँ पर गेट, और ये सामने क्या लिखा है, नक्की झील परिक्रमा पथ, और ये इसका गेट है यहाँ पर, अंदर जाके देखते हैं कैसा क्या है। और यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है नक्की लेक नगर पालिका मंडल आबू पर्वत। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ फोटोज़ वगैरह के लिए कैमरा मैन भी मौजूद है, ये देख रहे हो आप सामने खड़े हुए हैं। नहीं, तो आपको अगर फ़ोटो वगैरह खिंचानी है तो इनसे आप खिंचा सकते हो, अगर आपके पास कैमरा नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम फ़ोन से खींच लेते हैं, क्या करेंगे इतने सारे फ़ोटो का, बहुत सारे फ़ोटो इकट्ठे हो गए। यस, तो फिर यहाँ पर इसके फोटो में शॉप भी लगी हुई है, वाटर की देखो राइडिंग के लिए यहाँ पर आई थिंक, क्या ये, हाँ वाटर राइडिंग, हाँ फुग्गे में अंदर बिठा के
सो गाइज नकली लेक तो हमने घूम लिया, अब हम जा रहे हैं बैग लेने होटल, और होटल से बैग लेके जाएंगे अंबाजी। अंबाजी चलना है ना? नहीं। क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? हम पर ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा टाइम बहुत है लेकिन नाटक कर रही है। तो कोई नहीं, पहले तो होटल से बैग लेते हैं। नकली लिख पे काफ़ी मज़ा आया और बहुत सारे फ़ोटो भी खिंचवाए हमने कैमरे वाले से, सॉफ्ट कॉपी में 14-15 फ़ोटो है जो उन्होंने 300 रुपये में हमको करके दिए है, हमारे फ़ोन में डाल दिए। इसने खर्च करवाए सारे पैसे मेरे। हाँ मैं मना कर ही दिया कि मत करो, फोटोज कम कर लो तो कम पैसे लगेंगे। नहीं दे दो। कोई नहीं, एक बार आते यार खिंचवा लेते, क्या हुआ, कैमरा था नहीं हमारे पास, गोपुर से खींचती नहीं है। कोई नहीं गाइस, चलते हैं होटल, वहाँ से बैग उठाते हैं, देन आप लोगों को आगे की जर्नी करवाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैक टू होटल और यहाँ से उठाएंगे अपना बैग। सो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए, होटल से बैग वगैरह हमने ले लिया, और शिवानी को धूप बहुत लग रही है बिकॉज आज कल से ज़्यादा धूप है ना, कल मौसम अच्छा हो गया था। अच्छा वो हमने कल जल्दी कल घूम लिया, वरना तो हालत ख़राब हो जाती है आज तो, सुबह से धूप है, कल तो छाया हो गई थी, मतलब बोलते हैं ना हाँ बादल जैसा मौसम हो गया था। हाँ तो होटल से बाहर निकलते ही ये सामने देख रहे हो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और जाएंगे सीधे स्टेशन पर नीचे। लो भैया तो आ गए अपन रेलवे स्टेशन अबू रोड, और आगे का प्लान थोड़ा चेंजेस चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हम, चल रहा है क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे मेरी। हाँ इस चक्कर से रास्ते में हम लोग आए हैं, धूप बहुत ज़्यादा, धूप बहुत है और गर्मी बहुत है, इस चक्कर से हमें अजीब से फील हो रहा है, तो फिलहाल गाना कैंसिल कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। अंबाजी नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आएंगे तो अंबाजी पक्का आएंगे। हाँ तो चलते बाहर थोड़ा कुछ शिकंजी वगैरह पीते हैं जिससे मन अच्छा हो, सही हो जाए। ठीक है चलिए चलते बाहर। तो स्टेशन के जस्ट सामने ही बना हुआ है शिकंजी का, ये देख रहे हो आप 20 रुपये का एक ग्लास, तो आप भी यहाँ पर आओ तो पी सकते हो। खाली गिलास इधर फेंक दो। हाँ यहाँ पे दिखा होगा ना इधर फेंका। अरे वाला ये हो रहा है अपना रेडी, ये भैया ने बताया नींबू का कुछ फ्लेवर वाला डाला है इसके अंदर। खुले हो गए, खुले दोनों भाई साहब खुले। हे गाइस तो अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 3:40 और हम लोग जैसे कि आपने देखा जब स्टेशन पर आए थे उसके बाद ये वेटिंग रूम बना है यहाँ पर आप देख रहे हो आबू रोड पे, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर, मस्त ठंडक दे रहा है, एसी वैसे भी है बट एसी चालू नहीं है अभी, तो ये देख रहे हो श्रेणी वातावरण प्रक्षालय, तो इसके अंदर हम लोग वेट मतलब आराम किया, हम लोगों ने बैठे थे वेट कर रहे थे, ट्रेन का सेटिंग अरेंजमेंट है इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर शिवानी बैठी हुई है, इसने यहाँ पर बहुत आराम किया है। हाँ शिवानी मैंने आराम किया है। हाँ मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया, आप सोए होगी तो नहीं, तूने भी तो आराम किया ना, कम से कम यहाँ पर 2 घंटे तो बैठी होगी। मैं बस बैठी ही हूँ। हाँ आप सो भी गए थे। मैं यहाँ पर सो रहा था, मैंने भी काफ़ी आराम किया, आप सोच रहे हैं बाहर जाने का, कुछ खा के वाके आते हैं बाहर जाके। तो ये मैडम रेडी हो रहे हैं और गाइस आप देख रहे हो ये प्रक्षालय काफ़ी अच्छा है, मतलब आप अगर आपकी ट्रेन लेट है या फिर आपको यहाँ पर वेटिंग करना तो वेटिंग रूम बहुत बढ़िया है, एक सेम टू सेम इसके बाजू में भी बना हुआ है उस साइड, तो आप वहाँ पर भी आके वेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट लगा मुझे आबू रोड स्टेशन का ये, और उधर सामने टॉयलेट वगैरह भी बना है, बायो टॉयलेट और वॉशरूम, नहाने आने का सब कुछ अंदर है। रेडी ओके तो ये रेडी होती है और अपन चलते हैं बाहर। सो भाई अभी अपन खा रहे हैं रबड़ी, और ये रबड़ी शॉप का नाम है श्रीनाथ रबड़ी,
और यहाँ पर रेट वगैरह देखो आप सामने लिखा हुआ है, रबड़ी 1 kg 400 और रबड़ी 100 ग्राम 40। तो अपने ने 40 वाली दो ली हैं, एक मेरे लिए और एक इसके लिए। क्यों फ़ोन में क्यों लगी हो, क्या हुआ? मैं यहाँ से डायरेक्शन देख रही थी। कहाँ का? कुछ सोच रहे थे। बता रहे हो कहाँ जाना है, बताओ। लो ये आ गई अपन की रबड़ी, ले लो शिवानी, इसे टेस्ट करते हैं देन आप लोगों को बताते हैं। फ़ोन इस पर रख दो, चाहो तो फ़ोन फिर रबड़ी खा लो पहले। फोन मत रखो, ये तो फेंक दो, फेंक दो कचरे में। और टेस्ट करके बताओ कैसी है रबड़ी, फटाफट। आपकी मेल्ट हो जाएगी। हो जाना तो मेल्ट। दिल्ली फास्ट फास्ट, हाउ इज इट? रेलवे आपको तो रबड़ी फेमस ही है ना। रेलवे स्टेशन पे कैसी होती, बाहर कैसी है पूछ रहा हूँ, डिफरेंट है कुछ? बाहर की ज़्यादा टेस्टी है। बाहर की ज़्यादा टेस्टी है? तो भाई शिवानी ने बताया बाहर की ज़्यादा टेस्टी है और रेलवे स्टेशन की कम टेस्टी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आए ट्रेन से, आप उतर के बाहर आए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हाँ सही बात है, अगर आबू है तो ही बाहर आना, वरना आना मत बाहर। ऐसे में करना आपकी ट्रेन छूट जाएगी इसके बहाने। तो मैं भी खा लेता हूँ फिर आप लोगों से मिलता है। तो गाइस ये देख रहे हो सामने, ये आ चुकी है राणकपुर एक्सप्रेस जो कि जाएगी अहमदाबाद, और हमारी ट्रेन चल रही है अभी लेट। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और 1 घंटे लेट है अपनी ट्रेन, और बस वेटिंग चल रहा है अपना, वेट कर रहे हैं अपन। तो अभी मैं ये वेटिंग रूम है, इसके अंदर शिवानी बैठ के फ़ोन पर बात कर रही है अपने सिस्टर से, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और ये ट्रेन भी अपने अहमदाबाद ही जाने वाली है, लेकिन इसमें अपने जा नहीं पाएंगे बिकॉज इसमें अपना टिकट नहीं है। काश इसमें टिकट कर लिया तो जल्दी घर पे पहुंच जाते अपन। और लास्ट टाइम जब मैं पहले जब फर्स्ट टाइम मैं आबू आया था तो यही ट्रेन से आया था, रणकपुर एक्सप्रेस बीकानेर दादर, बीकानेर से बनती है और दादर जाती है, दादर से बनती है बीकानेर आती है। वहाँ से ये रात को 12 बजे मिलती है अहमदाबाद से, और आपको 3-4 बजे मॉर्निंग में आबू पहुँचा देती है। सो अभी आया हूँ गाइज़ मैं बाहर स्टेशन के, और अभी मैं कुछ नाश्ता लेने आया हूँ। और नाश्ते में आपको बता दूँ तो मैं वही समोसे की दुकान पर जा रहा हूँ, समोसे और कचौरी की, जो कि मैं मॉर्निंग में कल आया था और वहाँ मैंने नाश्ता किया था। तो वहाँ से समोसे लेते हैं, और ट्रेन आने में अपने कुछ 10-15 मिनट बाकी हैं, तो मैं बाहर आया हूँ। देन फटाफट यहाँ से समोसे लेके चलते हैं वापस ट्रेन में और वहाँ बैठ के खाएंगे। सो फाइनली आ चुके गाइस हमारी ट्रेन वाराणसी अहमदाबाद 19407, ये देख रहे हो ये उस साइड प्लेटफॉर्म पे आई है। तो यहाँ पर 10 मिनट का इसका होल्ट है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे साइड प्लेटफॉर्म पे और चलते हैं अपने कोच में। शिवानी बोल रही थी जल्दी ले चलो, बहुत लेट कर दिया आपने, ट्रेन छूट ना जाए। जल्दी आ जल्दी ट्रेन चल पड़ेगी। एंड गाइस सामने देख रहे हो आप, ये है सनसेट व्यू, आप देख रहे हो, देखो जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कल आप लोगों को सनसेट पॉइंट पे मैं सनसेट व्यू दिखा नहीं पाया था, और मैंने भी नहीं देख पाया था, बट यहाँ से दोनों जन देख लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं कि हमने सनसेट देखा है, ठीक है? Hey guys, तो हम लोग आ गए अहमदाबाद, जर्नी इज ओवर। कल से शिवानी ने झाड़ू पोछा काम शुरू हो जाएगा इसका, और मेरा ऑफिस जाना 2 दिन का था, फन इज ओवर। और ट्रेन हमारी काफ़ी लेट है, 1 घंटे समथिंग ना, 1 घंटा लेट उतारा है मैं यहाँ पर, 1 घंटा पूरा लग गया। और विक्की को फ़ोन कर दिया तो विक्की बाहर खड़ा हुआ है हमारा, वेट कर रहा है कब से। तो चलते हैं फटाफट स्टेशन के बाहर, बहुत थक गए हैं और जाके सीधे सोना ही है। हाँ तो ये आ गई सीढ़ियाँ, और
चलते हैं। तो ये देख रहे हो गाइज, ये है जगमगाता हुआ अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद जंक्शन। विक्की आने वाला है अभी, तो ये आ चुका है विक्की, और अब हम चलते हैं घर। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये नहीं हमारे सारे व्लॉग आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहीं जर्नी माउंट आबू की एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।